हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम सीखेंगे बिना यखनी के सबसे आसान खुशबूदार मुरादीबादी बिरयानी और पुलाव बनाने का तरीका। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए है 4 ग्लास बासमती राइस और हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से भिगोने के लिए साइड पर छोड़ देंगे ताकि हमारी बिरयानी के राइस अच्छे से लंबे लंबे बनकर तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने राइस को भिगोकर साइड में छोड़ दिया है। अब हमें 3 मीडियम साइज़ की ऑनियंस को लंबा लंबा कट कर लेना है। हमारी ऑनियन कट चुकी है, अब हम ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पे मैंने ली है तेज़पत्ती, दालचीनी, लौंग, जीरा, इलायची, काली मिर्च और थोड़े से बादियान फूल। अब यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से क्लीन करके साइड में रख लिया है एक बोल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून दही ऐड किया है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर दही ऐड हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हरी मिर्च का टेस्ट एसेंस आता है। अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने करीबन 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसमें हमारे खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे जो हमने साइड पर निकाल के रखे हुए थे। तो यहाँ मैंने गरम मसाले ऐड कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे मैगी क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैगी क्यूब का इस्तेमाल करने से हमारी खाने में टेस्ट एनहांस हो जाता है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे नमक, और नमक को ऐड करने के बाद हम इसमें एक खुशबूदार मसाला ऐड करेंगे। वो मसाले में हम यूज़ करेंगे अक्खा धनिया और सौंफ। इसे हम पीस कर हमारे चिकन में ऐड करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है पुलाव में, तो इसे ज़रूर ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा चिकन मसालों के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम गैस पर कढ़ाई गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें ऑयल डालकर हम सबसे पहले हमारे आलू फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम फ्राई आलू को निकाल लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी कटी हुई प्याज। तो हमने यहाँ हमारे ऑयल में कटी हुई प्याज ऐड कर लिए है और हमें प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। ध्यान रखें कि ऑयल में प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। जैसे मैं बता रही हूँ, नॉर्मल से पिंक प्याज ही रखनी है हमें, लाइट ब्राउन प्याज हमें रखनी है। तो यहाँ हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम इसमें हमारा मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे जो हमने दही में मसाले लगाकर रखे हुए थे। तो यहाँ हमने हमारा मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लिए है और हम अभी चिकन को अच्छे से भून लेंगे। तो चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे कढ़ाई के ऊपर ढक्कन ढाक कर स्लो गैस पर। तो हमारा चिकन अच्छे से भून चुका है, हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। आप चाहो तो चम्मच से एक बार चेक कर सकते हो। तो हमारा चिकन 70% कुक हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। हमारा चिकन 70% रेडी है और बाकी का 100% वो दम पर रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें फ्राई आलू ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो आलू ऐड होने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 4 ग्लास चावल में मैंने ऐड किए हैं 3 ग्लास पानी। तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो, और हम पानी ऐड करने के बाद फास्ट गैस पर उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे पानी में उबाल आ चुका है, तो उबले हुए पानी में राइस जल्दी कुक होगा। तो हम इसमें लास्टली ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। इससे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। तो ये दोनों वाटर्स को ऐड करने के बाद हम यहाँ हमारे भीगे हुए राइस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं बासमती राइस ऐड कर रही हूँ हमारी यखनी में। इसमें हमें अलग से यखनी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही पानी में यखनी का एसेंस और टेस्ट अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है। और लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। ये देखिए हमारा पानी भी थोड़ा कम हो चुका है, हमारे राइस कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसे धीमी आंच पर दम के लिए छोड़ देंगे। हमारा पुलाव अब रेडी हो चुका है, हम इसे खोल कर देखेंगे और हमारा पुलाव, खुशबूदार पुलाव अच्छे से रेडी है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, हमारा पुलाव रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं।
आप इसे बिरयानी पुलाव दोनों ही बोलकर खा सकते हैं। तो ये हमारा बिरयानी पुलाव रेडी है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट अस नो योर थॉट्स इन कमेंट्स। और ऐसी न्यू रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।